हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन एजुकेशन में। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर प्रवीण कुमार, आज जिस टॉपिक को लेकर आप लोगों के बीच उपस्थित हूँ वो है जेएस मिल का स्वतंत्रता संबंधी विचार, जेएस मिल व्यूज ऑन लिबर्टी। आज जो टॉपिक मैं आप लोगों के साथ साझा कर रहा हूँ वो है जेएस मिल ने स्वतंत्रता पर जो अपने विचार दिए हैं, या जेएस मिल का जो स्वतंत्रता संबंधी सिद्धांत है उसको हम जानने का प्रयास करेंगे कि जेएस मिल स्वतंत्रता से क्या समझते थे। जेएस मिल ने एक पुस्तक लिखी थी ऑन लिबर्टी, जिसमें उन्होंने अपना स्वतंत्रता का सिद्धांत दिया था। इससे पहले मैं जेएस मिल के स्वतंत्रता के सिद्धांत से आपको रूबरू कराऊं, उससे पहले हमें यह जानना आवश्यक है कि स्वतंत्रता का इतिहास क्या रहा है, या यह जो स्वतंत्रता शब्द है इसके लिए, या स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए समाज के या इतिहास के विभिन्न विभिन्न कालों में लोगों ने किस प्रकार संघर्ष किया है। चलिए शुरू करते हैं। स्वतंत्रता एक आकर्षक शब्द है जो प्रत्येक व्यक्ति के मन को प्रभावित करता है। यह एक आदर्श है। स्वतंत्रता क्या है? स्वतंत्रता एक आदर्श है जिसे पाने के लिए प्रत्येक युग में मानव जाति ने भिन्न भिन्न रूपों में संघर्ष किया है। स्वतंत्रता को पाने के लिए मानव जाति ने विभिन्न विभिन्न युगों में कई प्रकार के संघर्ष किए हैं। स्वतंत्रता के बिना ना तो कोई व्यक्ति और ना ही कोई राष्ट्र राष्ट्रीय रूप में विकास कर सकता है। अगर किसी व्यक्ति को स्वतंत्रता नहीं है, अगर किसी राष्ट्र के पास उसकी स्वतंत्रता नहीं है, चाहे वो कानून बनाने की स्वतंत्रता हो, चाहे उसके आंतरिक मामलों में स्वतंत्रता हो, चाहे उसके बाहरी मामलों में स्वतंत्रता हो, तो वह राष्ट्र अपना विकास नहीं कर सकता है। और जो विश्व का इतिहास रहा है, विश्व के इतिहास को अगर आप देखेंगे, अगर आप विश्व के इतिहास को पढ़ेंगे, यदि आप विश्व के इतिहास को जानेंगे, तो इतिहास इस बात का साक्षी रहा है, इतिहास में इस बात के प्रमाण मिले हैं कि स्वतंत्रता मनुष्य की स्वाभाविक भावना है। अर्थात मनुष्य स्वतंत्रता के लिए प्रयास करता है और यह उसकी स्वाभाविक भावना है। स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए प्राचीन काल से वर्तमान समय तक मनुष्य ने अपना सब कुछ न्यौछावर करने में भी संकोच नहीं किया है। प्राचीन काल से वर्तमान समय तक लोगों ने स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया है। कहने का अभिप्राय क्या है? प्राचीन काल में यदि लोगों को स्वतंत्रताएं नहीं मिलती थी, चाहे वो किसी भी प्रकार की शासन प्रणाली हो, चाहे वो मोनार्कियल सिस्टम हो, चाहे वो ट्रिनिकल सिस्टम हो, चाहे वो लोकतांत्रिक शासन प्रणाली हो, चाहे वो किंग्स का शासन था, लेकिन लोगों ने अपनी स्वतंत्रताओं के लिए संघर्ष किया और अपनी स्वतंत्रता को प्राप्त करने का प्रयास किया। क्या स्वतंत्रता का कोई रूप है? नहीं, स्वतंत्रता का कोई एक रूप नहीं है, स्वतंत्रता की अनेक रूप है। स्वतंत्रता जो है सामाजिक क्षेत्र में स्वतंत्रता हो सकती है, राजनीतिक क्षेत्र में स्वतंत्रता हो सकती है, आर्थिक क्षेत्र में स्वतंत्रता हो सकती है, सांस्कृतिक क्षेत्र में स्वतंत्रता हो सकती है। पश्चिमी राजनीतिक चिंतन में जेएस मिल स्वतंत्रता के सिद्धांत को व्यवस्थित करने के लिए इनको श्रेय दिया जाता है। पश्चिमी राजनीतिक चिंतन के जो विद्वान है जेएस मिल, इन्होंने स्वतंत्रता को सबसे पहले व्यवस्थित किया, इसलिए इनको स्वतंत्रता को जो है व्यवस्थित करने का श्रेय दिया जाता है। इसके अलावा इजय बर्लिन को नकारात्मक स्वतंत्रता का जनक माना जाता है। जो नेगेटिव लिबर्टी के जो प्रोपोनेंट है, एक्सपोनेंट है, वो इजय बर्लिन है। और जेएस मिल का जीवनकाल 1806 से 1873 तक है। 1806 ईस्वी में जेएस मिल का जन्म होता है और 1873 में इनकी मृत्यु हो जाती है।
18वीं शताब्दी में मिल ने स्वतंत्रता का अपना सिद्धांत दिया। तो जो आज हम मिल का स्वतंत्रता संबंधी सिद्धांत पढ़ेंगे, यह मिल ने 18वीं शताब्दी में दिया था, जिसने विभिन्न देशों को उपनिवेशवादी ताकतों से स्वतंत्र होने के लिए प्रेरित किया था। मिल ने ये स्वतंत्रता का जो सिद्धांत दिया, इस सिद्धांत ने लोगों को उपनिवेशवादी ताकतों से स्वतंत्र होने के लिए प्रेरित किया। अगर आप 19वीं शताब्दी तक का इतिहास देखेंगे तो विश्व की बड़ी बड़ी शक्तियों ने कमज़ोर देशों को अपने अधीन कर लिया था, अपने अधीन उपनिवेश बना लिया था। उदाहरण के लिए भारत भी अंग्रेज़ों के अधीन था, अमेरिका जैसा विश्व का शक्तिशाली देश भी 1776 तक उपनिवेशवादी ताकत जो है ब्रिटेन के अधीन था। तो जब जे एस मिल ने ये विचार रखे 1806 से 1873 में, उन्होंने एक पुस्तक लिखी ऑन लिबर्टी, तो उस पुस्तक ने लोगों को जगाया, लोगों को अपनी स्वतंत्रता का महत्व ज्ञात हुआ, चाहे वो व्यक्तिगत स्वतंत्रता हो चाहे वो राष्ट्रीय स्वतंत्रता हो। तो लोगों ने अपनी स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए संघर्ष करना आरंभ किया। और उसके बाद आप उदाहरण देखते हैं, जैसे अमरीका ने 1776 ईस्वी में अमेरिका ने स्वतंत्र होने की घोषणा की। अमेरिका 1776 में इंग्लैंड से, ब्रिटेन से अपने आप को इसने स्वतंत्र कर लिया। और 1789 की जो फ्रेंच डिक्लेरेशन होती है उसमें भी स्वतंत्रता और अधिकारों की बात की जाती है। तो इसलिए जे एस मिल का स्वतंत्रता का जो सिद्धांत है वो बहुत महत्वपूर्ण है। और वर्तमान समय में हम जितनी भी प्रकार की स्वतंत्रताओं का आनंद ले रहे हैं, वर्तमान समय में जितनी भी प्रकार की स्वतंत्रताएं संविधान के द्वारा जो है विभिन्न देशों के नागरिकों को मिली है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर वो जे एस मिल जैसे कई अन्य राजनीतिक विचारकों के परिणामों का या उनके विचारों का योगदान है। तो चलिए शुरू करते हैं जे एस मिल का स्वतंत्रता पर विचार, जे एस मिल ऑन लिबर्टी। जे एस मिल कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी मीनिंग एंड नेचर हम जो है पढ़ेंगे। जे एस मिल का स्वतंत्रता संबंधी सिद्धांत, जे एस मिल के स्वतंत्रता संबंधी सिद्धांत को जानने से पहले हमें जे एस मिल के जीवन परिचय को जानना होगा, उनके लाइफ करेक्टर स्केच को जानना होगा ब्रीफ में, कि जे एस मिल ने अपना जीवन जो है किन किन परिस्थितियों में जिया, जे एस मिल ने अपना जीवन यापन कौन कौन सी परिस्थितियों में किया, और उन परिस्थितियों ने जे एस मिल के जो रचनाएं हैं, जो जे एस मिल की लेखनी है, जे एस मिल की लेखनी को किस प्रकार प्रभावित किया। क्योंकि कोई भी राजनीतिक सिद्धांतकार जिन जिन परिस्थितियों में वह रहता है, वे परिस्थितियाँ उसकी लेखन कला को ज़रूर प्रभावित करती है, अर्थात उन परिस्थितियों से प्रेरित होकर, उन परिस्थितियों से प्रभावित होकर वह विचारक जो है अपने विचार लिखता है, अपने सिद्धांत देता है। तो जे एस मिल का जन्म लंदन में 20 मई 1807 को हुआ। 20 मई 1807 को लंदन में जे एस मिल का जन्म हुआ। इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा है वो घर पर ही हुई, अर्थात जे एस मिल ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा घर पर अपने पिता की देखरेख में की, अर्थात इनके पिता ने ही इनको घर पर इनकी प्रारंभिक शिक्षा दिलाई। 8 वर्ष की आयु, जब जे एस मिल 8 वर्ष की आयु तक पहुँच गए थे, तो तब तक जे एस मिल ने ज़ेनोफन, हेरोडोटस, आइसोक्रेटस तथा प्लेटो के ग्रंथों का अध्ययन कर लिया था। तो कितना बुद्धिमान था जे एस मिल कि 8 वर्ष की आयु में, मात्र 8 वर्ष की आयु में जब व्यक्ति बालक होता है, तो 8 वर्ष की आयु में जे एस मिल ने ज़ेनोफन, हेरोडोटस, आइसोक्रेटस तथा प्लेटो के ग्रंथों को अध्ययन जो है समाप्त कर लिया था। 12 वर्ष की अवस्था में जे एस मिल ने दर्शन शास्त्र, 12 वर्ष की अवस्था में जे एस मिल ने फिलॉसफी का अध्ययन कर लिया था, और इसका अध्ययन इन्होंने प्रारंभ किया था। जॉन स्टुअर्ट मिल, जे एस मिल का पूरा नाम जॉन स्टुअर्ट मिल है, तो जो जेम्स मिल है उन्होंने जॉन स्टुअर्ट मिल के पिता थे, जो जेम्स मिल है वो जॉन स्टुअर्ट मिल के पिता थे। जे एस मिल ने एडम स्मिथ और रिकार्डो की
अर्थशास्त्र की पुस्तकों का गहरा अध्ययन किया। जेएस मिल ने अर्थशास्त्र पर जो जेएस मिल की पुस्तक लिखी गई है और रिकार्डो की पुस्तक लिखी गई है अर्थशास्त्र पर, उसका भी उन्होंने अध्ययन किया और 4 वर्ष की आयु में वह फ्रांस की यात्रा पर चला गया था। फ्रांस से इंग्लैंड वापस लौटने पर वह 16 वर्ष की आयु में, फ्रांस से जब वह इंग्लैंड वापस लौटता है तब जेएस मिल की आयु 16 वर्ष होती है, और 16 वर्ष की आयु में जेएस मिल उपयोगितावादी सोसाइटी का सदस्य बन जाता है। तो इंग्लैंड में उपयोगितावादी यूटिलिटेरियन सोसाइटी थी उस समय, तो जब वो फ्रांस से वापस आ जाता है तो 16 वर्ष की आयु में वह उस यूटिलिटेरियन सोसाइटी का सदस्य बन जाता है। 25 वर्ष की आयु में जेएस मिल हैरियट टेलर से मिले, 25 वर्ष की आयु में भी हैरियट टेलर से मिले, तथा 1851 में दोनों ने आपस में विवाह कर लिया। 1858 में हैरियट टेलर की मृत्यु हो गई, 1858 में हैरियट टेलर की मृत्यु हो गई। मिल ने अपनी प्रसिद्ध रचना ऑन लिबर्टी, मिल ने जो उनकी सबसे प्रसिद्ध रचना है, फेमस जो उनकी लेखनी है, जो उनकी फेमस रचना है ऑन लिबर्टी, जो कि उन्होंने स्वतंत्रता पर लिखा गया सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ माना जाता है, उन्होंने यह पुस्तक ऑन लिबर्टी जो है हैरियट टेलर अपनी पत्नी को समर्पित की। प्रधानमंत्री ने संसद में कहा था, उस समय जो इंग्लैंड की प्रधानमंत्री से 1806 से 1873 तक, उन्होंने संसद में एक बार कहा था कि जब मिल का भाषण होता था, कि जब वो मिल का भाषण संसद में सुनते थे तो उनको यह अनुभूति होती थी, तो मुझे सदैव यह अनुभूति होती थी कि मैं किसी संत का प्रवचन सुन रहा हूँ। जब वो जेएस मिल के प्रवचन को, जब वो जेएस मिल के भाषण को संसद में सुनते थे इंग्लैंड के प्रधानमंत्री, तो उनको ऐसा लगता था कि वो किसी संत के प्रवचन को सुन रहे हैं। मिल ने बहुत सारी रचनाएं लिखी है, बहुत सारी लेखनियां, बहुत सारी कृतियां जो है मिल ने अपने जीवन काल में लिखी है, जिनमें से मुख्यतः द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, जिनमें से उनकी जो मुख्य रचनाएं हैं वो ये है, मुख्य द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी 1848, द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, यह पुस्तक इन्होंने 1848 में लिखी थी। दूसरी जो इन्होंने पुस्तक लिखी है ए ट्रीटाइज ऑन लिबर्टी, दूसरी पुस्तक इन्होंने लिखी है ए ट्रीटाइज ऑन लिबर्टी या ऑन लिबर्टी, यह इनका सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है। और जो इन्होंने तीसरी पुस्तक लिखी है वो है उपयोगितावाद, इनको उपयोगितावादी विचारधारा का जनक भी कहा जाता है, इनको यूटिलिटेरियन फिलॉसफी का जनक भी कहा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं जेएस मिल का स्वतंत्रता संबंधी सिद्धांत, जेएस मिल का स्वतंत्रता संबंधी सिद्धांत, जेएस मिल ऑन व्यूज ऑन लिबर्टी। जेएस मिल जो है स्वतंत्रता के सिद्धांत से क्या समझते हैं? जेएस मिल ने स्वतंत्रता संबंधी विचार अपनी प्रसिद्ध पुस्तक ऑन लिबर्टी में दिए। तो जेएस मिल ने जो स्वतंत्रता संबंधी अपना सिद्धांत दिया है वो उन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक ऑन लिबर्टी में दिया है। इस निबंध में जेएस मिल ने स्वतंत्रता के अर्थ को स्पष्ट किया है। जो जेएस मिल ने जो रचना ऑन लिबर्टी लिखी है, ऑन लिबर्टी नामक रचना में जेएस मिल ने स्वतंत्रता के सिद्धांत को स्पष्ट किया है कि स्वतंत्रता क्या होती है। मिल ने लिखा है कि, मिल ने ऑन लिबर्टी नामक अपनी रचना में लिखा है कि मानव जाति के किसी भी पक्ष की स्वतंत्रता, उन्होंने कहा कि मानव जाति का कोई भी पक्ष हो, मानव जाति के किसी भी पक्ष की स्वतंत्रता में तब तक हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है जब तक आत्मरक्षा का प्रश्न ना हो। उन्होंने कहा कि मानव जाति का या मानव जीवन का किसी भी क्षेत्र की स्वतंत्रता में तब तक हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है जब तक जो है आत्मरक्षा का प्रश्न ना हो। तो उन्होंने जो है यह जो है स्वतंत्रता की परिभाषा दी है। जेएस मिल की स्वतंत्रता की परिभाषा को और ज़्यादा अधिक विस्तृत समझने से पहले हमें स्वतंत्रता शब्द के अर्थ को जानना पड़ेगा कि यह स्वतंत्रता जो शब्द है, यह लिबर्टी शब्द जो है, यह किस भाषा से आया है और इसका अर्थ वहाँ पर क्या था।
तो चलिए जानते हैं स्वतंत्रता को अंग्रेजी में, स्वतंत्रता को इंग्लिश में लिबर्टी कहते हैं। स्वतंत्रता को इंग्लिश में क्या कहते हैं? लिबर्टी कहते हैं। और यह जो लिबर्टी शब्द है, जो लिबर्टी शब्द है, यह लैटिन भाषा की लिबर शब्द से निकला है। यह जो लिबर्टी शब्द है, यह लैटिन भाषा की लिवर LIVER लिवर शब्द से निकला है। और लैटिन भाषा में, और लैटिन भाषा में लिवर शब्द का अर्थ होता है स्वतंत्र व्यक्ति। लैटिन भाषा में लिवर शब्द का अर्थ क्या होता है? जो है फ्री इंडिविजुअल, स्वतंत्र व्यक्ति, अर्थात स्वतंत्रता से अभिप्राय। स्वतंत्रता से क्या अभिप्राय है? स्वतंत्रता से अभिप्राय व्यक्ति के कार्यों पर उचित प्रतिबंध से है। अर्थात व्यक्ति को जो है प्रत्येक क्षेत्र में स्वतंत्रता मिलना, अपनी कैपेसिटी को बिल्ड करने के लिए, अपना विकास करने के लिए स्वतंत्रता मिलना जो है स्वतंत्रता कहलाती है। J.S. मिल ने स्वतंत्रता का यह विचार दिया। उन्होंने स्वतंत्रता के संबंध में, J.S. मिल की स्वतंत्रता के संबंध में व्यक्ति के कार्यों को उन्होंने दो भागों में बांटा है। J.S. मिल जो स्वतंत्रता का सिद्धांत देते हैं, वो कहते हैं कि स्वतंत्रता जो है व्यक्ति के विकास के लिए जो है वह महत्वपूर्ण होनी चाहिए। अर्थात कैपेसिटी बिल्डिंग जो है, कैपेसिटी बिल्ड करना स्वतंत्रता का मुख्य कार्य होना चाहिए। वो स्वतंत्रता की बात करते हैं, लेकिन वह स्वतंत्रता पर कुछ एक प्रतिबंध भी मानते हैं। वो मानते हैं कि समाज में कोई भी व्यक्ति को हम पूर्ण तौर पर फ्री नहीं छोड़ सकते, क्योंकि हम सभ्य समाज में रहते हैं। और जहाँ पर एक व्यक्ति जो कार्य करता है, उसका वो कार्य जो है सामाजिक क्षेत्र में किसी दूसरे व्यक्ति के कार्य को भी प्रभावित करता है। यदि व्यक्ति का वह कार्य स्वयं से संबंधित है, तब व्यक्ति की उस कार्य में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। अर्थात अगर मैं स्वयं का काम कर रहा हूँ, उदाहरण के लिए मैं एक पुल के ऊपर से जा रहा हूँ, तो मैं पुल के ऊपर से जा रहा हूँ, यदि मैं दूसरी गाड़ियों को जो है अवरोध उत्पन्न नहीं कर रहा हूँ, तो यह मेरा स्वयं का जो कार्य है और इसमें कोई अवरोध उत्पन्न नहीं कर सकता। लेकिन मुझे सड़क पर चलने की स्वतंत्रता है, लेकिन मैं सड़क पर गाड़ियों को रोक रहा हूँ, तो वहाँ पर आकर राज्य और कानून मेरी स्वतंत्रता में हस्तक्षेप करेंगे। ऐसा क्यों करेंगे? ताकि जो है दूसरे लोगों की स्वतंत्रता, उनकी जो है चलने की स्वतंत्रता भी बरकरार रहे। तो J.S. मिल ने सभ्य समाज में स्वतंत्रता के ऊपर कुछ एक प्रतिबंध लगाए हैं, कुछ एक निश्चित प्रतिबंध लगाए हैं, जहाँ पर राज्य को लगता है कि एक व्यक्ति का जो कार्यक्षेत्र है, वो दूसरे व्यक्ति के कार्यक्षेत्र में हस्तक्षेप कर रहा है। J.S. मिल ने स्वतंत्रता को दो भागों में बांटा है। उन्होंने कहा कि किसी भी व्यक्ति की जो स्वतंत्रता है, उसको दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला भाग है स्वयं संबंधी कार्य, सेल्फ रिगार्डिंग वर्क। जो पहला भाग है J.S. मिल की स्वतंत्रता का, वो है स्वयं संबंधी कार्य। और जो दूसरा भाग वो मानते हैं, वो है अन्य संबंधी कार्य, अदर रिगार्डिंग कार्य। J.S. मिल अपनी स्वतंत्रता के सिद्धांत को दो भागों में बांटते हैं, स्वयं संबंधी कार्य, जो कार्य मनुष्य के स्वयं से संबंध रखते हैं, अदर रिगार्डिंग वर्क, अन्य संबंधी कार्य, जो मनुष्य के कार्य दूसरों के क्षेत्र को भी प्रभावित करते हैं। तो चलिए जानते हैं क्या है ये दो कार्य। तो जो स्वयं संबंधी कार्य है, सेल्फ रिगार्डिंग जो वर्क है, J.S. मिल जो स्वतंत्रता को दो भागों में बांटते हैं, उनका मानना जो स्वयं संबंधी कार्य से है, मिल कहते हैं कि मिल ने स्वतंत्रता का पहला प्रकार जो है स्वयं संबंधी कार्य माना है। उन्होंने कहा कि किसी भी व्यक्ति का जो स्वतंत्रता है, उसका जो पहला भाग होता है, वो स्वयं संबंधी कार्य होता है। स्वयं संबंधी कार्य से अभिप्राय यह है कि व्यक्ति अपने व्यक्तिगत क्षेत्र में, व्यक्ति अपने पर्सनल लाइफ में जो है किसी भी प्रकार का कार्य करने के लिए स्वतंत्र है। अर्थात पर्सनल लाइफ में इंडिविजुअल, व्यक्तिगत जो है लाइफ में व्यक्ति को पूरी स्वतंत्रता है। वह जिस प्रकार का भी वो जो है वेशभूषा पहनना चाहता है, जिस प्रकार का भी काम वह घर में करना चाहता है, जिस प्रकार से भी वह अपना जीवन यापन करना चाहता है, पर्सनल लाइफ में एक व्यक्ति
कर सकता है। और पर्सनल जो स्फीयर है व्यक्ति का, जो स्वयं संबंधी जो कार्य है व्यक्ति का या जो स्वयं संबंधी क्षेत्र है व्यक्ति का, इसमें राज्य कोई रोक टोक नहीं लगा सकता। आप जिस प्रकार अपना जीवन यापन करना चाहते हो, जिस प्रकार अपनी पर्सनल लिबर्टी को एंजॉय करना चाहते हो, आप कर सकते हैं। लेकिन यदि आपकी जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता है वह दूसरों की स्वतंत्रता को हनन कर रही है, उदाहरण के लिए आप शादी में डीजे लगा रहे हैं, वो आपकी पर्सनल लिबर्टी है कि आपको एंजॉय करने का अधिकार है। यदि घर में शादी हो रही है, मैरिज हो रही है, तो आपको पर्सनल लिबर्टी का अधिकार है, आप एंजॉय कर सकते हैं डीजे क्योंकि आपने पैसे दिए हैं। लेकिन यदि आप डीजे ऐसे समय पर लगा रहे हैं, रात को 11 बजे के बाद लगा रहे हैं जब लोगों का सोने का समय होता है, और अगर आप डीजे को बहुत ऊँची आवाज़ में लगा रहे हैं कि लोगों को सोने में दिक्कत हो रही है, तो तब आप उन लोगों के जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता है उसमें हस्तक्षेप कर रहे हैं, और वहाँ पर राज्य आकर आपकी स्वतंत्रता को कर्टेल कर देगा। अर्थात जब वो व्यक्ति जो है पुलिस स्टेशन जाकर कंप्लेंट कर देंगे या पुलिस वालों को कॉल कर देंगे, तो पुलिस वाले आएंगे और आपको कहेंगे कि आप डीजे बंद कर दें क्योंकि लोग जो है सोना चाहते हैं। तो जेस मिल जो स्वयं संबंधी कार्य को डिफाइन करते वो कहते हैं कि स्वयं के क्षेत्र में पर्सनल लाइफ में व्यक्ति जो काम करना चाहता है उसके लिए वह स्वतंत्र है, उस पर रोक टोक नहीं है। रोक टोक तभी होगी यदि उसका वह पर्सनल कार्य जो है दूसरे व्यक्ति के कार्य में हस्तक्षेप कर रहा है। जो दूसरा भाग बताते हैं जेएस मिल वो है अन्य संबंधी कार्य, अदर रिगार्डिंग कार्य। जो व्यक्ति का जो जीवन का पहलू है वह सिर्फ अपने लिए ही कार्य नहीं करता, बहुत सारे काम व्यक्ति ऐसे भी करता है जो समाज के दूसरे वर्गों को प्रभावित करते हैं या समाज के दूसरे पहलुओं को भी प्रभावित करते हैं। तो अन्य संबंधी कार्य जेएस मिल की स्वतंत्रता का यह जो है दूसरा प्रकार है, अन्य संबंधी कार्य अदर रिगार्डिंग वर्क। तो जेएस मिल के अनुसार जेएस मिल की स्वतंत्रता का दूसरा प्रकार है अदर अन्य संबंधी कार्य। मिल के अनुसार, मिल क्या कहता है, मिल कहता है मिल के अनुसार राज्य व्यक्ति के अन्य संबंधी कार्यों पर प्रतिबंध लगा सकता है। अर्थात राज्य व्यक्ति के अदर रिगार्डिंग स्फीयर में जो है प्रतिबंध लगा सकता है। यदि किसी व्यक्ति का किया हुआ कार्य किसी दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन कर रहा हो, यदि आप कोई कार्य कर रहे हैं उससे दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता हनन हो रही है, उससे दूसरी स्वतंत्रता, दूसरे व्यक्ति की पर्सनल लिबर्टी प्रभावित हो रही है। दूसरे शब्दों में मिल की स्वतंत्रता से अभिप्राय यह है कि व्यक्ति को विचार, अभिव्यक्ति और कार्य करने की स्वतंत्रता है, पर व्यक्ति की स्वतंत्रता पर कुछ एक उचित प्रतिबंध लगे हैं। तो अन्य संबंधी कार्य में मिल कहता है कि यद्यपि व्यक्ति को अपने विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता है, अपने विचार अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता है, और वह व्यक्ति अपने विकास के लिए कोई भी कार्य कर सकता है और वह जो है किसी भी प्रकार का काम कर सकता है समाज में आकर, लेकिन वह स्वतंत्रता उसे उचित प्रतिबंधों के साथ मिलती है। अर्थात जब वह व्यक्ति समाज में आकर कार्य करता है तो वह कोई ऐसा काम नहीं कर सकता जिससे जो है दूसरे व्यक्तियों को उसका नुकसान हो। उदाहरण देता हूँ अन्य संबंधी कार्यों में, मैं आपको उदाहरण देता हूँ। उदाहरण के लिए रोड पर चलना, सड़क पर चलना आपका अधिकार है और सड़क पर चलना आपकी स्वतंत्रता भी है, लेकिन यदि आप पैदल चल रहे हैं तो पैदल चलने के लिए सड़क पर जो है एक फुटपाथ बना होता है कि यहाँ पर जो है पैदल चलने वाले व्यक्ति चलें, और जो सड़क है उस पर जो है जो लोग गाड़ी चला रहे हैं उनकी जो है चलने की स्वतंत्रता है। लेकिन यदि आप ये कहें कि मैं बीच सड़क से चल रहा हूँ, मैं बीच सड़क से ही चलूँगा क्योंकि मैं पैदल जा रहा हूँ तो मैं बीच सड़क से ही चलूँगा, यह मेरी स्वतंत्रता है, तो आप बहुत गलत है। तो वहाँ पर आकर आप जो है दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता, अर्थात जो लोग गाड़ी चलाने वाले हैं उनके लिए सड़क बनी है, आपके लिए दूसरा रास्ता बना है, तो आप उनकी स्वतंत्रता में हस्तक्षेप कर रहे हैं। जब आप जो है दूसरे व्यक्तियों के स्फीयर में हस्तक्षेप करेंगे, अदर रिगार्डिंग स्फीयर में आप लोग हस्तक्षेप करेंगे, तो तब राज्य आकर आपको जो है दंड देगा, अर्थात आपकी स्वतंत्रता पर उचित प्रतिबंध लगाएगा कि आपके लिए फुटपाथ
बना है, आप फुटपाथ पर चलें। तो ये थे जेएस मिल ने जो स्वतंत्रता को दो भागों में बांटा है, स्वयं संबंधी कार्य और अन्य संबंधी कार्य। और जेएस मिल स्वतंत्रता को क्या मानता है निष्कर्ष में, जेएस मिल कहते हैं कि व्यक्ति को विचार अभिव्यक्ति, व्यक्ति को अपने विचार अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता है, और साथ ही व्यक्ति समाज में और अपने व्यक्तिगत जीवन में किसी भी प्रकार का कार्य करने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन उसकी स्वतंत्रता पर कुछ एक उचित प्रतिबंध लगे हुए हैं, अर्थात वह दूसरे व्यक्तियों की स्वतंत्रता का हनन नहीं करेगा। जब वह अपने विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को एंजॉय करेगा या जो है अपने सामाजिक क्षेत्र में काम करेगा, तो वह दूसरे व्यक्तियों की स्वतंत्रता का हनन नहीं करेगा। यदि वह दूसरे व्यक्तियों की स्वतंत्रता का हनन करता है तो राज्य आकर उसकी स्वतंत्रता को जो है उस पर प्रतिबंध लगा देगा, उस पर कॉन्स्ट्रेंट लगा देगा। तो चलिए अब जानते हैं जो मिल की स्वतंत्रता संबंधी सिद्धांत है उसका आधार क्या है, या जो मिल ने स्वतंत्रता संबंधी विचार दिया उसका आधार क्या है, किन किन बेसिस पर, किन किन फाउंडेशन पर उसने कहा कि स्वतंत्रता ये होती है, और वो उसकी विशेषताएं क्या क्या बताता है कि जो लिबर्टी है, जो स्वतंत्रता है, उसकी विशेषताएं क्या क्या है। तो चलिए मिल की स्वतंत्रता के आधार अथवा विशेषताएं इस प्रकार हैं, अर्थात मिल ने जो अपनी स्वतंत्रता के आधार बताए हैं कि इन इन आधारों पर मैं स्वतंत्रता को डिफाइन करता हूं, इन इन आधारों पर इसकी विशेषताएं। तो जो पहला आधार है, जो प्रथम बिंदु है, वो कहते हैं व्यक्ति अपने शरीर एवं मन का स्वामी है, मैन इज द ओनर ऑफ हिज माइंड एंड बॉडी। तो इसमें मिल का क्या कहना है, मिल का मुख्य तर्क है, वो यह मानते हैं कि व्यक्ति के उन कार्यों में ही हस्तक्षेप किया जा सकता है। मिल का क्या मानना है, व्यक्ति के उन कार्यों में ही हस्तक्षेप किया जा सकता है जो दूसरे व्यक्तियों के क्षेत्र में हानि पहुंचाते हैं। अर्थात वो कहते हैं कि व्यक्ति के उन कार्यों में राज्य हस्तक्षेप कर सकता है जो कार्य जो है एक व्यक्ति के दूसरे व्यक्ति के कार्य क्षेत्र को हस्तक्षेप कर रहे हैं। उनके अनुसार व्यक्ति अपने मन एवं शरीर का स्वामी है, अर्थात व्यक्ति का माइंड और बॉडी वो जो है उसका स्वयं उसका मालिक है। और इससे उनका अभिप्राय यह है कि व्यक्ति अपने कार्यों के लिए मानसिक और शारीरिक रूप से, मन का अर्थ क्या हुआ यहाँ पर, मन का अर्थ हुआ मानसिक रूप से, और जो है स्वस्थ का अर्थ यहाँ पर हुआ शरीर। तो मानसिक वह शारीरिक रूप से तब तक व्यक्ति स्वतंत्र है जब तक उसके किए हुए कार्य दूसरे कार्यों में बाधा ना डालें। अर्थात मानसिक और शारीरिक रूप से व्यक्ति मिल के अनुसार तब तक स्वतंत्र है जब तक उस व्यक्ति के कार्य जो है दूसरे व्यक्ति के कार्य क्षेत्र में हस्तक्षेप ना करे। तो ये पहला आधार है मिल की जो स्वतंत्रता संबंधी सिद्धांत है। तो चलिए दूसरा सिद्धांत जानते हैं। मिल कहते हैं कि मिल ने मनुष्य की स्वतंत्रता को स्वयं संबंधी तथा अन्य संबंधी कार्यों में विभाजित किया। मिल ने जो व्यक्ति की स्वतंत्रता है उसने व्यक्ति की स्वतंत्रता को स्वयं संबंधी तथा अन्य संबंधी कार्यों में विभाजित किया। मिल के अनुसार मनुष्य की स्वतंत्रता दो भागों में विभाजित होती है। स्वयं संबंधी कार्य में मनुष्य स्वयं के क्षेत्र में स्वतंत्र है, लेकिन जहाँ पर उसके कार्य दूसरों को प्रभावित करते हैं वहाँ पर राज्य को व्यक्ति की स्वतंत्रता पर नियंत्रण लगाने का पूर्ण अधिकार है। अर्थात जहाँ व्यक्ति की स्वतंत्रता दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता पर हस्तक्षेप कर रही है तो वहाँ पर राज्य आकर हस्तक्षेप करेगा, और यह राज्य का पूर्ण अधिकार है। अगला जो बिंदु है मिल की स्वतंत्रता का, उसकी विशेषताओं का, उसके आधार का, वो है मिल की स्वतंत्रता नकारात्मक है। मिल जो है नेगेटिव लिबर्टी का एक एक्सपोनेंट माना जाता है। नकारात्मक स्वतंत्रता का अर्थ क्या है, आपको स्वतंत्रता है लेकिन कुछ एक उचित प्रतिबंधों के साथ। आप अगर अपने जीवन का विकास करना चाहते हैं, चाहे वो मानसिक विकास है, चाहे वो राजनीतिक विकास है, चाहे वो किसी भी तरह का विकास है, आपको स्वतंत्रता है लेकिन उचित प्रतिबंधों के साथ। तो मिल की स्वतंत्रता नकारात्मक है, इसका अर्थ है कि व्यक्ति की स्वतंत्रता पर उचित प्रतिबंध है। यहाँ पर नकारात्मक का अर्थ यह बिल्कुल नहीं है कि व्यक्ति अपने प्रत्येक कार्य के लिए स्वतंत्र है,
उसकी स्वतंत्रता पर कुछ एक निश्चित प्रतिबंध लगे हैं। तो जो यहाँ पर वो नकारात्मक स्वतंत्रता का अर्थ बताते हैं जेएस मिल, तो उनका मानना है कि नकारात्मक का अर्थ यह बिल्कुल नहीं है कि व्यक्ति बिल्कुल स्वतंत्र है, मैन इज टोटली फ्री टू डू एवरीथिंग, यह उनका अर्थ नहीं है। उनका अर्थ स्वतंत्रता से, नकारात्मक स्वतंत्रता से यह है कि मनुष्य स्वतंत्र है कार्य करने के लिए, लेकिन उसकी स्वतंत्रता पर कुछ एक प्रतिबंध लगे हैं, जहां पर मनुष्य की स्वतंत्रता दूसरे की स्वतंत्रता को हस्तक्षेप करेगी, दूसरे की स्वतंत्रता का हनन करेगी, वहां पर राज्य आकर हस्तक्षेप करेगा ही करेगा। तो नेक्स्ट पॉइंट है मिल की विशेषताओं का, और मिल की जो स्वतंत्रता का आधार है वो है विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। मिल की स्वतंत्रता की यह एक मुख्य विशेषता या आधार है कि मिल विचारों की अभिव्यक्ति को सबसे अधिक इम्पोर्टेंस देते हैं। मिल कहते हैं कि व्यक्ति को विचार अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए और पूर्ण स्वतंत्रता होनी चाहिए। मैन को जो है, इंसान को विचारों को अभिव्यक्त करने की एक्सप्रेशन ऑफ जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है वह प्रत्येक व्यक्ति को होना चाहिए। और लोकतंत्रीय युग में जेएस मिल कहते हैं कि सरकार की आलोचना का अधिकार नागरिकों को होना चाहिए। यदि सरकार कोई ऐसी नीति बनाती है जो लोगों को अच्छी नहीं लगती है, तो लोग जो है मीडिया के माध्यम से या जो है रैलियों के माध्यम से सरकार की उस जो है नीति का विरोध कर सकते हैं। तो उन विचारों को नहीं रोकना चाहिए, और यदि वो विचार जो है किसी दूसरे के क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं तो उन विचारों को नहीं रोकना चाहिए। अगली जो विशेषता है मिल की स्वतंत्रता की वो है कार्य की स्वतंत्रता, वर्क की लिबर्टी। कार्य की स्वतंत्रता भी मिल की एक मुख्य विशेषता है, कार्य की स्वतंत्रता की किसी भी इंसान को काम करने की स्वतंत्रता है। मिल के अनुसार मनुष्य अपने कार्यों को करने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र है, अर्थात मिल कहते हैं कि प्रत्येक मनुष्य अपने व्यक्तिगत क्षेत्र में कार्यों को करने के लिए पूर्ण तौर पर स्वतंत्र है। वह समाज में भी स्वतंत्र है, लेकिन उचित प्रतिबंधों के साथ वह अपने कार्यों को कर सकता है। तो ये थी मिल के जो सिद्धांत था, उसकी जो विशेषताएं और उसके आधार, मिल कहता है कि उसकी स्वतंत्रता संबंधी सिद्धांत के ये आधार है। तो मिल की स्वतंत्रता का निष्कर्ष क्या निकलता है? मिल नकारात्मक स्वतंत्रता का समर्थन करता है और वह कहता है कि व्यक्ति स्वतंत्र है, लेकिन उसकी स्वतंत्रता पर कुछ एक उचित प्रतिबंध लगे हैं। तो उसकी नकारात्मक स्वतंत्रता का यह अर्थ बिल्कुल ही नहीं है कि व्यक्ति प्रत्येक क्षेत्र में स्वतंत्र है। अब जानते हैं हम मिल की स्वतंत्रता संबंधी विचारों की आलोचना। बहुत सारे लोग मिल के, अब अगर कोई विचारक अपने विचार लिखता है, कोई भी राजनीतिक विद्वान हो या आप निजी जीवन में देखें, तो जब भी आप कोई चीज़ करते हैं उसके आलोचक ज़रूर होते हैं। तो इसी प्रकार राजनीतिक विद्वान जो भी अपना राजनीतिक ग्रंथ लिखते हैं, जो भी अपनी लेखनी लिखते हैं, जो भी कला लिखते हैं, उसकी आलोचना करने वाले, पॉजिटिव आलोचना करने वाले कि उसमें खामियां क्या थी, मिल ने जो लिबर्टी का कॉन्सेप्ट दिया उसमें खामियां क्या थी, तो उसकी जो कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी है उसकी आलोचना भी होती है। तो चलिए जानते हैं कि मिल की जो विचारों की आलोचना है, स्वतंत्रता संबंधी विचारों की आलोचना है, वो किन किन आधारों पर होती है। जो आलोचक मिल की स्वतंत्रता संबंधी विचारों की आलोचना करते हैं, उनका मानना है, वो पहला आधार अपना रखते हैं कि मिल ने कहा कि व्यक्ति अपने मन वह शरीर का स्वामी है, लेकिन आलोचकों के अनुसार व्यक्ति अपने मन वह शरीर का स्वामी नहीं है। मिल कहते हैं कि व्यक्ति अपने मन, मानसिक जो उसकी शक्तियां हैं और शरीर का वह स्वामी है, उस पर उसका पूरा कंट्रोल है, लेकिन आलोचकों का मानना है कि मिल का यह विचार कि व्यक्ति अपने मन वह शरीर का स्वामी है, यह एक गलत धारणा है। वास्तव में इस धारणा का वास्तविक परिणाम नहीं है, अर्थात इस धारणा का कोई अंतिम परिणाम नहीं है, इस धारणा का कोई वास्तविक परिणाम नहीं है और ना ही हो सकता है। एक व्यक्ति अपने नैतिक कार्यों के लिए अपने समाज के प्रति प्रतिबद्ध होता है, व्यक्ति अपने मन वह शरीर का स्वामी नहीं हो सकता। तो आलोचक कहते हैं कि एक व्यक्ति जो है अपने कार्यों के लिए समाज के प्रति भी प्रतिबद्ध होता है, जरूरी नहीं मिल के अनुसार कि व्यक्ति अपने मन वह शरीर का स्वामी है। तो यह पहली आलोचना होती है जेएस मिल की स्वतंत्रता संबंधी सिद्धांत की।
जो दूसरी आलोचना होती है मिल के स्वतंत्रता संबंधी सिद्धांत की, वो ये है कि मानव कार्यों में विभाजन संभव नहीं। आलोचक कहते हैं कि मिल ने व्यक्ति की जो स्वतंत्रता है या व्यक्ति की जो कार्य है उनको दो भागों में बांटा है, स्वयं संबंधी कार्य और अन्य संबंधी कार्य। लेकिन वास्तव में मानव कार्यों में आप मानव के कामों को विभाजित नहीं कर सकते। आलोचक कहते हैं कि जेएस मिल की आलोचना वे इस आधार पर करते हैं कि मनुष्य के कार्यों को विभाजित नहीं किया जा सकता। आप मनुष्यों के कार्यों को कैसे विभाजित करेंगे कि कौन से कार्य जो है मनुष्य के स्वयं से संबंधित है और कौन से कार्य जो है मनुष्य के अन्य व्यक्तियों से संबंधित है, तो आप कैसे क्लासिफाई करेंगे। आलोचक कहते हैं कि मिल ने जो अपने कार्यों का विभाजन बताया है व्यक्ति की स्वतंत्रता का, आप यह कैसे डिसाइड करेंगे कि व्यक्ति के स्वयं से संबंधित काम कौन कौन से है और व्यक्ति के समाज के लिए काम कौन कौन से। तो इस आधार पर भी आलोचक मिल के स्वतंत्रता संबंधी सिद्धांत की आलोचना करते हैं। तो अगला जो पॉइंट है, स्वतंत्रता पर उचित नियंत्रण। स्वतंत्रता पर उचित नियंत्रण, आलोचकों ने मिल की स्वतंत्रता के सिद्धांत को इस आधार पर भी आलोचना की है कि स्वतंत्रता पर उचित नियंत्रण लगाना असंभव है। अर्थात उनका मानना है कि स्वतंत्रता पर आप उचित प्रतिबंध नहीं लगा सकते। यह कौन सुनिश्चित करेगा कि स्वतंत्रता पर उचित प्रतिबंध क्या है? तो आलोचक कहते हैं कि यह कौन डिसाइड करेगा, यह कौन बताएगा कि यह स्वतंत्रता पर उचित प्रतिबंध लगा है। अर्थात इसकी आप जो है कोई एक वास्तविक या सेट डेफिनेशन नहीं दे सकते कि किसकी स्वतंत्रता पर कब आप प्रतिबंध लगाएंगे। जो नेक्स्ट आलोचना होती है मिल की, वो है मिल की स्वतंत्रता नकारात्मक नहीं। तो जो आलोचक है वो कहते हैं कि मिल की स्वतंत्रता नेगेटिव लिबर्टी नहीं है। आलोचकों के अनुसार मिल की स्वतंत्रता की जो धारणा है, आलोचक कहते हैं जो मिल की स्वतंत्रता की जो धारणा है, जो उसने धारणा प्रस्तुत की है, वास्तव में जो मिल द्वारा दी गई स्वतंत्रता है वह नकारात्मक नहीं है। नकारात्मक का कोई विशेष वर्णन नहीं किया गया है मिल द्वारा, नकारात्मक स्वतंत्रता क्या होगी। अर्थात उनका मानना है कि मिल ने अपनी रचना ऑन लिबर्टी में यह डिस्क्राइब नहीं किया है, इसका वर्णन नहीं किया है उन्होंने कहीं भी साफ शब्दों में कि नकारात्मक स्वतंत्रता क्या होगी। जो अंतिम जो बिंदु है वह है मिल खोखली स्वतंत्रता का पैगंबर। यह भी आलोचना, बार्कर जो है मिल को उनकी स्वतंत्रता के सिद्धांत को लेकर एक टिप्पणी करते हैं मिल पर। वो कहते हैं कि मिल खोखली स्वतंत्रता का पैगंबर है। बार्कर मिल की स्वतंत्रता की आलोचना करते हुए कहते हैं, उन्होंने कहा कि मिल खोखली स्वतंत्रता का पैगंबर था। उसके अनुसार मिल की स्वतंत्रता खोखली है, उन्होंने कहा कि वह खोखली स्वतंत्रता का पैगंबर है। उनके अनुसार मिल की स्वतंत्रता जो है खोखली है, खाली है, क्योंकि मिल ने अधिकारों के बिना स्वतंत्रता के सिद्धांत को प्रस्तुत किया है। उनका मानना है कि मिल ने अधिकारों के बिना जो है स्वतंत्रता के सिद्धांत को प्रस्तुत किया है, इसलिए मिल का जो स्वतंत्रता संबंधी सिद्धांत है वह खोखला सिद्धांत है, और इसलिए बार्कर मिल को स्वतंत्रता का पैगंबर कहते हैं, खोखली स्वतंत्रता का पैगंबर मानते हैं। तो ये था मिल का स्वतंत्रता संबंधी सिद्धांत। लेकिन यदि हम निष्कर्ष देखें तो वर्तमान जो प्रभुसत्ता संपन्न राज्य है, विश्व में 210 देश है, और 210 देश में से जितने भी लोग लोकतंत्रीय शासन प्रणाली को अपनाए हुए हैं, अधिनायकवादी शासन प्रणाली को अपनाए हुए हैं, उन देशों के संविधान के द्वारा उन देशों के नागरिकों को उन देशों के संविधान में स्वतंत्रताओं का वर्णन किया है, और उन स्वतंत्रताओं का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, अगर आज के लोग जो है स्वतंत्रताओं का आनंद ले रहे हैं तो यह मिल जैसे विचारकों की देन है। तो धन्यवाद। यदि आपको लेक्चर पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।